ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस पठानकोट की तरफ से ढांगू रोड स्थित मिश्रा नर्सिंग होम में 16 अप्रैल को कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा। कैंप की तैयारियों को लेकर ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस पठानकोट के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें वैक्सीनेशन कैंप लगाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर प्रधान पूनम महाजन ने बताया कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की तरफ से मिश्रा नर्सिंग होम ढांगू रोड में 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक सिविल अस्पताल पठानकोट के सहयोग से कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैंप में आने वाले लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी प्रकार चेयरमैन डॉक्टर वीना मिश्रा ने कहा कि कैंप में 45 वर्ष की आयु से अधिक के लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले लोग अपने साथ आधार कार्ड जरूर लेकर आए। 16 अप्रैल 2021 को पठानकोट में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की ओर से एक कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें सारे पठानकोट वासियों को मैं सलाह दूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आए और वैक्सीनेशन कराएं। स्थान मिश्रा नर्सिंग होम डांगू रोड पठानकोट। समय होगा सबेरे 10 बजे से 4 बजे तक का, और जितने वैक्सीनेशन के लोग आएँ वो अपने साथ आधार कार्ड अवश्य लाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करा के अंदर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इसमें हमारा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है, जिसको कि हमने मॉर्निंग में बुलाया हुआ है, और वो लोग आपके पूरे नेतृत्व करेंगे और वैक्सीनेशन लगाएंगे। हमारी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की सारी सदस्याएँ आप लोगों को वैक्सीनेशन में सपोर्ट करेंगे। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की तरफ से कल 16 तारीख को मिश्रा नर्सिंग होम में 10 से 4 बजे तक COVID-19 का फ्री वैक्सीनेशन का कैंप लग रहा है, जिसमें मैं अपील करूंगी कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएं और इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और वैक्सीन लगने के बाद भी सब लोगों को अपना मास्क लगाना और डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। सभी लोग 45 ईयर से ऊपर होने चाहिए और अपना आधार कार्ड लेके आना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।